वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइस आज है डे 5 और मैं हूँ लद्दाख के अंदर। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सेफली और आज जो है यहाँ की जो प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे लद्दाख के अंदर क्या क्या है, कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। तो गाइस चलते हैं बाइक पर और देखते हैं लद्दाख के नज़ारे। तो गाइस कुछ ऐसा नज़र आता है जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ और सामने बाइक खड़ी है मेरी। चाय का आनंद लिया जा रहा है गाइस आज। तो जाने से पहले सोचा मैं एक कप चाय पी लेता हूँ। चीयर्स। अभी एक मोनेस्ट्री में आया हूँ। तो गाइस अभी मैं यहाँ से आया था और इस तरफ से ऊपर जा रहा हूँ बुद्ध टेंपल के लिए और ऊपर ही काली माता का मंदिर बना हुआ गाइस। तो गाइस मैं अभी यहाँ से आया हूँ। तो गाइस ये है सामने काली माता मंदिर। मंदिर और बुद्ध टेंपल दोनों एक साथ बने हुए हैं तो अच्छे से दर्शन हो गए हैं, लेकिन अंदर से वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो अब चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस मैं अभी लेह में हूँ और हॉल ऑफ फेम देखने आया हूँ, मेरे पीछे जो बना हुआ गाइस। तो यहाँ क्या फॉर्मेलिटीज है अभी इस ब्लॉग के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगी। अभी चलते हैं गाइस, देखते हैं हॉल ऑफ फेम। तो गाइस मैंने टिकट ले ली है हॉल ऑफ फेम वॉर मेमोरियल की और जोरावर फोर्ट की। तो टोटल 295 रुपीज़ लगे हैं सिंगल पर्सन के मेरे, जिसमें आपके वीडियो कैमरा के 100 रुपीज़ चार्जेस अलग से होते हैं और मोबाइल अगर आपके साथ है उसके भी 20 रुपीज़ अलग से लगते हैं। तो गाइस टिकट ले चुका हूँ और यहाँ से अब एंट्री होने वाली है। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं अंदर क्या है। तो गाइस एंट्री यहाँ से है। सर आपका टिकट।
तो गाइस जो 1999 की वॉर में शहीद हुए थे जवान, ये उन सबके स्मारक है गाइस, उनकी याद में बनाया गया है गाइस। तो गाइस हॉल ऑफ फेम वॉर मेमोरियल में ये इन्फॉर्मेशन है कि 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान की जब फाइट हुई थी तो उस समय क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी और पाकिस्तान ने जितने भी कब्जे कर लिए थे हमारी इस ज़मीन पर, तो उसको कैसे रिकैप्चर किया गया था, इंडिया आर्मी ने उनसे कैसे रिकैप्चर किया, वो सारी चीज़ें तो इस बारे में सारा कुछ बताया गया है हॉल ऑफ फेम वॉर मेमोरियल में। तो गाइस वहाँ पे सामने टिकट काउंटर है और गाइस वहाँ पे कैश अलाउड नहीं है, अगर आपको टिकट लेनी है तो क्रेडिट कार्ड ही आपके पास होना चाहिए या डेबिट कार्ड, तो वहाँ कार्ड से ही जो है टिकट दी जाती है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक बात और गाइस, जब भी आप टिकट लेंगे ना तो जोरावर फोर्ट और हॉल ऑफ फेम दोनों की टिकट यहीं से मिलेगी, लेकिन जोरावर फोर्ट जो है वो 2-3 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो अभी मैं जोरावर फोर्ट ही जा रहा हूँ, तो करते हैं भाई। और ये खड़ी अपनी ब्लैक हॉक। तो गाइस फाइनली मैं जोरावर फोर्ट पहुँच चुका हूँ और टिकट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हॉल ऑफ फेम में ही आपको वो टिकट मिल जाती है जोरावर फोर्ट की। और ये रहा गाइस जोरावर फोर्ट और जोरावर कैफे, यहाँ से एंट्रेंस है गाइस जोरावर फोर्ट की। तो गाइस यहाँ से शुरुआत होती है जोरावर फोर्ट की और टिकट मैंने सर को दे दी है। तो गाइस ये है सामने आपके जोरावर म्यूजियम। तो जोरावर म्यूजियम के अंदर आती है गाइस पहला रूम जो है कुछ इस तरह से है गाइस, कुछ मैप वगैरह लगा रखे हैं, लद्दाख एंड झंस्कार टूरिस्ट मैप बैटल ऑफ तकलाकोट। तो गाइस ये लॉइन हेड पिस्टल और ये कुछ ड्रेसेस होंगी उस टाइम की गाइस। तो गाइस अभी मैं हिस्ट्री रूम में जा रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से नजर आता है हिस्ट्री रूम। तो गाइस कुछ ज़्यादा नहीं है यार देखने को, ना ही कोई रश है यहाँ पे, मेरे अलावा कोई और है नहीं है यहाँ। तो यहाँ क्या है, ये एक सिंगल रूम है गाइस, वॉर रूम युद्ध कक्ष। तो ये रहा गाइस युद्ध कक्ष। तो
गाइस ये छोटे छोटे रूम्स हैं यहाँ बने हुए, और ये ऊपर को रास्ता जा रहा है। यहाँ से मैं एंटर हुआ था अभी, तो गाइस अभी मैं यहाँ से आया हूँ और कुछ नज़ारा यहाँ का ऐसा है गाइस। इंडिया का फ्लैग लगा हुआ ऊपर गाइस, और यहाँ कुछ टोपी लग रखी है गाइस। तो चलते हैं गाइस, कुछ ज़्यादा नहीं मिला यहाँ कुछ देखने को, और ना ही कोई यहाँ कोई देखने आया कि ये पुराने टाइम का रथ है गाइस शायद। तो चलते हैं गाइस, द्रापर फोर्ट भी देख लिया और आपने भी इस ब्लॉग के थ्रू देख लिया होगा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है फिर भी एक टाइम आप आके देख सकते हैं इसे। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे। तो लीजिए गाइस शांति स्तूपा में भी हम पहुंच गए हैं, पीछे मेरी बाइक पार्क हो गई है, और ले सिटी का कुछ व्यू कुछ, तो गाइस ले सिटी का व्यू कुछ इस तरह से है शांति स्तूपा से। चलते हैं गाइस, 30 रुपये लगते हैं यहाँ एंट्री करने के, टोकन बूथ फॉर टूरिस्ट। तो गाइस ये टिकट मिली है शांति स्तूपा की 30 रुपये में पर पर्सन वहाँ से। तो गाइस शांति स्तूपा में आते ही ये पहला जो है बुद्ध टेंपल मिलेगा आपको दर्शन करने के लिए। तो गाइस शांति स्तूपा तक जाने के लिए ये रास्ता जाता है, थोड़ी सी चढ़ाई है। तो गाइस ये मेन मंदिर है, मेन बुद्ध टेंपल शांति स्तूपा के अंदर। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं शांति स्तूपा में। तो गाइस लद्दाख शांति स्तूपा के बारे में लिखा हुआ है, 3609 मीटर ऊंचाई पे है, मतलब 11,841 फीट पे। तो गाइस शांति स्तूपा पे जाने से पहले आपको शूज रिमूव करने पड़ेंगे यहीं। गाइस वो सामने वाला पहाड़ देखिए जिसमें जगह खाली सी नजर आ रही है, कितना डिफरेंस सा लग रहा है गाइस। तो गाइस मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो सामने ले पैलेस, अगर गोप्रो कैप्चर कर रहा हो तो। गाइस शांति स्तूपा के लिए मैं वहाँ से आया था, जो सड़क नज़र आ रही है यहाँ आते 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 मैंने वहाँ बाइक लगाई है जहाँ बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। फ्री पार्किंग है गाइस, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अंदर आने के चार्जेस है 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो गाइस शांति स्तूपा भी देख लिया मैंने भी और आपने भी इस ब्लॉग के थ्रू। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे, ले पैलेस।
तो फाइनली गाइज मैं ले पैलेस पहुंच गया हूँ। पहले मैं गलत चला गया था, अब मैं सही जगह आ गया हूँ और मेरी गाड़ी भी यहीं पार्क हो गई है। और ख़ास बात यह है कि गाइज पैलेस के साथ ही आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये रहा सामने गाइज ले पैलेस। गाइज जो आप पीछे खिड़की देख रहे हैं वहाँ पे 25 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं पर पर्सन को ले पैलेस के अंदर जाने के लिए। और अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सिर्फ पिक्चर ले सकते हैं। तो गाइस टोटल 9 फ्लोर्स हैं ये जो ले पैलेस है। वन टाइम के लिए ठीक है, लेकिन वन टाइम में भी आप बोर हो जाएंगे क्योंकि अंदर से बिल्कुल खाली है। और जो आपने इस ब्लॉग में देखा बस वही है गाइस। और इस वक्त मैं सबसे टॉप पे हूँ 9th फ्लोर पे। और गाइस कुछ ऐसा व्यू है, तो गाइस थोड़ी देर पहले मैं वहाँ था शांति स्तूपा में, जो कि शांति स्तूपा और लेक पैलेस का जो डिस्टेंस है गाइस वो है 6 किलोमीटर। तो गाइस इस ले पैलेस में सबसे टॉप पे ये बना हुआ है गाइस शौचालय टॉयलेट कुछ ऐसे गाइस उस टाइम का। और यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट क्लाइम ऑन लेवल 9th रूफ। यहाँ लॉक लग रखा है गाइस, यू आर एट लेवल 9th। क्या नाम है तुम दोनों का? हम दोनों के नाम है। मेरा नाम संजय। और आप कहाँ से हो? मैं चकलम से ही हूँ। और ये कहाँ पड़ता है? ले में है कि कहीं और है? ये कहाँ पड़ता है जगह जो आपने नाम बताया? ये ले में। अच्छा ले में आप ले गए। ओके चलो ठीक है। यस थैंक बाय। ओके बाय गाइस। तो गाइस मैं यहाँ से आया था तो गाइस अभी मैं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया हूँ जो कि ले पैलेस के साथ ही बना हुआ है। और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था इसलिए अब थोड़ी नीट लग रही थी बॉडी को खाने के लिए खाना खाने के लिए ना कि बॉडी को। तो खाना खा के फिर करता हूँ बात आपसे। एक्चुअली कल जब मैं ले आया था तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, रात को फीवर भी हो गया था और पेट भी ख़राब हो गया था। तो रात को मैंने मेडिसिन लेकर अपने आप को ठीक किया है, तो आज थोड़ी एनर्जी कम है। बाकी देखते हैं, आज थोड़ा रेस्ट होगा और कल तक थोड़ा फुली चार्ज हो जाऊंगा मैं। तो गाइस अभी लस्सी मंगाई है ताकि पेट ठीक हो जाए। तो चलते हैं गाइस यहाँ से भी। और आपने देख लिया ले पैलेस और मैंने भी। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइस मैं अभी भी ले में हूँ और आज है डे 6। तो कल डे 5 में मैंने ले की कुछ जो प्लेसेस है उनको कवर किया था। और गाइस एक सच बात कहूँ तो मुझे ले सिटी तो अच्छी लगी पर ले के अंदर जो प्लेसेस हैं वो इतनी खास नहीं लगी गाइज, क्योंकि मैं खुद घूमता बोर हो गया था गाइज। तो शायद जब कभी आप आए तो शायद इस चीज़ को फील करें। बाकी ठीक है गाइज, मेरे को एक्चुअली मुझे ना मोटो व्लॉगिंग करते टाइम अच्छा लगता है, बल्कि सड़क पर चल रहे हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है गाइज। शायद इसी वजह से मुझे ये कल वाली जो प्लेसेस जो मैंने देखी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, वन टाइम के लिए।
और यहाँ पे शांति स्तूपा ठीक लगा थोड़ा बहुत, और हॉल ऑफ फेम जो वॉर मेमोरियल है वहाँ बहुत अच्छा लगा गाइस। एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और वहाँ पे एक सर भी थे जो पूरी स्टोरी सुनाते हैं 1999 में क्या हुआ था कैसे हुआ था, तो वो इतने जोश से सुना रहे थे कि तब जोश आ रहा था गाइस और अच्छा भी लग रहा था। तो बस एक वो प्लेस अच्छी लगी मुझे, और बाकी सब सीधी सी बात बोलूँ तो बोरिंग लगी मुझे। बाकी आप इस ब्लॉग में देख ही रहे हैं गाइस, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो गाइस जो मेरे कपड़े सूख रहे हैं वो किस तरह से सूख रहे हैं तो देख लीजिए गाइस। यहाँ मैंने खिड़की के बाहर टांग दिए हैं गाइस, और खिड़की बंद कर दी है एक इधर और एक इस तरफ है गाइस। ये टॉवल मेरा ये है एक्चुअली गाइस, जगह नहीं थी तो मैंने रूम के अंदर ही ये डाल दिए हैं वॉश करके। तो गाइस कल सुबह मिलूँगा आपको अब डे 7 में। डे 6 में तो मैं जस्ट इसी रूम में रहने वाला हूँ और जो मेरे व्लॉग्स हैं उनको एडिट करने वाला हूँ। और गाइस आपको ये व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा गाइस। अच्छे से अच्छे वीडियोज़ और आते रहेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं कल डे 7 में गाइस। गुड बाय।